कपूर खानदान के चिराग अर्जुन कपूर ने दोस्तों कभी भी श्रीदेवी को अपनी स्टेप मॉम के रूप में स्वीकार नहीं किया। चलिए बताता हूं क्या है किस्सा। 1996 में बोनी कपूर की शादी होती है श्रीदेवी के साथ। उससे पहले बोनी कपूर की शादी मोना सूरी के साथ हो चुकी थी दोस्तों। मोना सूरी से उनकी दो संतानें हैं, अर्जुन कपूर और अंशुला कपूर। अर्जुन कपूर दोस्तों बहुत ही बड़े बॉलीवुड एक्टर हैं जिनकी फिल्में जैसे कि इशकजादे, मुबारका हैं। और अर्जुन कपूर ने आज तक श्रीदेवी को अपनी स्टेप मॉम के रूप में स्वीकार नहीं किया। उनका ये कहना है कि कोई भी उनकी माँ की जगह नहीं ले सकता। बता दो दोस्तों, मोना कपूर जो है, मोना सूरी कपूर, वो अब इस दुनिया में नहीं है। 2012 में कैंसर की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। अर्जुन कपूर से एक इंटरव्यू में पूछा गया था इसी बारे में, तो अर्जुन कपूर ने यही बोला था कि मेरे लिए जानवी कपूर और जो खुशी कपूर हैं, जो कि श्रीदेवी की डॉटर्स हैं, वो मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि श्रीदेवी मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करती। बता दूं कि अर्जुन कपूर जब 11 साल के थे तभी बोनी कपूर ने मोना कपूर को डाइवोर्स दे दिया था और शादी कर ली थी श्रीदेवी के साथ दोस्तों। और वो कहीं ना कहीं श्रीदेवी को ही अपने परिवार के टूटने का कारण मानते हैं और मानते रहेंगे आई गेस। और बट ये बात अच्छी है दोस्तों कि अर्जुन कपूर ने जैसे ही ये खबर सुनी श्रीदेवी के डिमाइस के बारे में, तो वो तुरंत शूटिंग छोड़ के वापस मुंबई लौट रहे हैं दोस्तों। और वो भी इस फाइनल राइट में, श्रीदेवी के इस फाइनल राइट में उनके पार्थिव शरीर को देखने आएंगे और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। डेफिनेटली अब कुछ ना कुछ रिश्तों में सुधार होगा दोस्तों। एंड आई होप अर्जुन कपूर जो सोचते थे, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, वो क्लियर हो जाएगी।